इस बार पुष्य नक्षत्र पर दो अमृत योग बन रहे हैं। पुष्य नक्षत्र को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि हमारे भारतीय ज्योतिष पद्धति में 27 नक्षत्रों का वर्णन बताया गया है और इन 27 नक्षत्रों का 24 घंटे में पुनः एक दूसरे में घटित होने वाली सारी क्रियाएं जो होती है और इन सबके अलग अलग स्वामी भी होते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों में से एक होता है पुष्य नक्षत्र। यह पुष्य नक्षत्र अपने आप में एक परिपूर्ण और शुभ नक्षत्र माना गया है और इनको दिन के अनुसार इनका नाम भी रखा जाता है। जैसे गुरुवार के दिन पड़ा तो गुरु पुष्य अमृत योग, रविवार के दिन पड़ा तो रवि पुष्य अमृत योग, बुधवार के दिन पड़ा तो बुध पुष्य अमृत योग, इस तरह से इनका नाम अलग अलग समय में पड़ता है। पुष्य नक्षत्र को विशेष करके किसी तरह की साधना सिद्धि प्राप्ति के लिए, किसी यंत्र को स्थापित करने के लिए, श्री विग्रह देव मूर्ति स्थापित करने के लिए या बहुत से जड़ी बूटी को उस दिन लाया जाता है खोद करके, तो ये इनके लिए बहुत उपयोगी है। वर्तमान समय में चूँकि ये बाजारवाद है और बाजारवाद में लोग शुभ मुहूर्त पूछते हैं कि बाज़ार से क्या करें, क्या खरीदी करें, तो उनके अनुसार इन सब कारणों के लिए भी पुष्य नक्षत्र को लिया जाता है। चूँकि दीपावली के पहले पुष्य नक्षत्र आता ही है जिसमें लोग कुछ कुछ नई चीज़ें खरीदी करते हैं जो उनके लिए शुभ माना जाता है। इस बार कब पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र? इस बार शनिवार को प्रारंभ हो रहा है और यह रविवार तक रहेगा, इसलिए दोनों दिन बहुत शुभ है। शनिवार को भी पड़ रहा है तो शनिवार को पूरे दिन पर्यंत ये शुभ मुहूर्त है और रविवार को रवि पुष्य अमृत योग के रूप में इनके पूरे दिन इनको इनके लिए मान्य रहेगा। सोने चांदी भी खरीदते हैं इस दिन? दीपावली से संबंधित हर चीज़ को खरीदी किया जा सकता है। पुष्य नक्षत्र जो है हर तरह की खरीदारी के लिए भी बहुत बढ़िया है, पूजा अनुष्ठान के लिए, सिद्धि साधना के लिए बहुत अच्छा माना गया है।